खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज दिनांक 12/6/2020 को कोविड 19 संक्रमण को लेकर कोई भी धार्मिक और सामाजिक आयोजन नहीं होगा। सुल्तानपुर SP शिवहरि मीणा ने साफ तौर पर इस प्रकार के आयोजन पर रोक लगा रखी है। उन्होंने कहा है कि लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में धार्मिक स्थलों पर भी 5 लोग ही एक साथ जा सकेंगे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने जनता से अपील की कि अभी तक आप सभी का सहयोग मिला है, आगे भी कोविड 19 संक्रमण से बचाव को लेकर जो सरकार स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है उसका पालन करें और प्रशासन पुलिस का सहयोग करें, जिससे कि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। तो ऐसे में कई बार आपने कल से बात किया तो होने के लिए आपने, ऐसे में आज क्या? आज आपको बता दें कि कल हमारे द्वारा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जितने भी हमारे सम्मानित धर्मगुरुगण थे उनसे हमारी वार्ता हुई है, मीटिंग बुलाई गई है, उनको अनुरोध किया गया, उनको ब्रीफ किया गया, उनको बताया गया है बार बार कि जो भी सरकार की गाइडलाइन है उसके तहत जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे, जितने भी ऐसे पवित्र स्थान हैं जहाँ पर लोग श्रद्धा के साथ आते हैं, उन सब पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, 5 से अधिक लोग इकट्ठा ना हो। और सभी धर्मगुरुओं ने भी हमसे सहमति जताई है कि निश्चित रूप से ये जो वैश्विक महामारी है इसको देखते हुए किसी भी तरह का कोई धार्मिक और सामाजिक आयोजन नहीं हो। अभी सर जैसे अनलॉक हो रहा है, ऐसे में लॉकडाउन भी है, ऐसे में आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो कैसे क्या मतलब मैनेज होगा, जैसे इतनी भीड़ आ रही है, इतनी आबादी बाहर से आई है? देखिए मैनेजमेंट निश्चित रूप से जनता का सहयोग हमें मिलता रहा है, जनता सुल्तानपुर की जनता, जनप्रतिनिधि, प्रेस के जितने भी हमारे बंधु उन सबका सहयोग हमें मिला है, उसी वजह से हम काफ़ी हद तक संक्रमण रोकने में सफल भी हुए हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं लोगों को जागरूक किया जा सके, लोगों को ब्रीफ किया जा सके, उसी के माध्यम से हम निश्चित रूप से जो वैश्विक महामारी है इसे लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। कैसे फिर लॉकडाउन की दोबारा बोलो, फिर से लॉकडाउन की संभावना होगी क्या सर? देखिए ये सब चीज़ें पॉलिसी का मैटर है, इस संदर्भ में हम कुछ भी नहीं कह पाएंगे, लेकिन हमें जो अभी तक इंस्ट्रक्शन मिले हैं उसको हम पालन करेंगे।